हमारे कपल जो कि कुल्लड़ पिज्जा देते हैं, ट्रिपल सीसी की बिल्डिंग के पास इनका आउटलेट है, मिड टाउन रन करते हैं। तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी मैम के बारे में? आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं? मैम आप कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डेली रूटीन फूड। दोस्तों इस वक्त हम चंडीगढ़ सिटी सेंटर के साथ जो मार्केट है, यहाँ हम आए हैं मिड टाउन, जहाँ पे मिलते लाइव आइसक्रीम, कुल्लड़ पिज्जा, वेफल्स, थिक शेक, सैंडविच। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे मिड टाउन में, जहाँ पे लाइव आइसक्रीम, कुल्लड़ पिज्जा, थिक शेक सैंडविचेस मिलते हैं। हम चलते हैं, इनसे बात करते हैं। तो यहाँ बहुत ही बढ़िया भैया ने यहाँ अपना सेटअप लगा रखा है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इन्होंने बैम्बू स्टिक की हट्स वाला बनाया। यहाँ सिटिंग का भी अरेंजमेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे अपना मील इंजॉय कर रहे हैं, स्नैक्स इंजॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, बढ़िया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विशाल सागर है। ओके, तो सर हमने यहाँ पे आपका देखा कि आपका एक तो लाइव आइसक्रीम का और कुल्लड़ पिज्जा जो कि बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है, तो सर अपने कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, कब से आपने स्टार्ट किया और क्या क्या टाइमिंग्स होते हैं आपके? इसका मैम हो गया हमें 9 मंथ हो गए। ओके, हमने 14 जनवरी को ओपन किया था। ओके, उसके डेरिवेशन से अभी चल रहा है। ओके, जैसा ही है। ओके, लोगों को अच्छा लग रहा है कुल्लड़ पिज्जा। तो सबसे लोग यहाँ क्या प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं? मैक्सिमम सबसे ज्यादा कुल्लड़ पिज्जा। हाँ जी, तो जो सीजनली है वो आइसक्रीम भी जाती है। जैसे भी गर्मियाँ चल रही है तो आइसक्रीम प्रेफर करते हैं। लाइव आइसक्रीम तो बच्चे बहुत शौकीन होते हैं और बहुत ज्यादा बढ़िया बनती है। वैसे हमारी आइसक्रीम ऑल सीजन चलती है, ऑल सीजन चलती है, हर एक कोई भी सीजन हो हर एक सीजन में चलती है। ओके, सर्दियों हो गर्मी हो सब में फ्रेश फ्रूट और उसके साथ ही बनता है जो भी। ओके सर, कुल्लड़ पिज्जा है हमारा, कुल्लड़ पिज्जा की स्पेशल रेसिपी है। ओके, हम खुद ही टेक अवे सारा। तो आप ये खुद रन करते हो मिड टाउन को? मिड टाउन आपका जो कैफे बना रखा है, अपने बैम्बू स्टिक का इतना प्यारा बना रखा है जो, ये हमें सारा कुछ हमने जो भी है सारा कर रखा है। हमारे कुछ एक्चुअली सारा डिस्ट्रीब्यूट जो हमारे सर है ना, सारा कुछ उन्होंने करवाया था, जो सारी क्वांटिटी में हमें ही देती कि आप जो भी कुछ है सारा आपको ही करना है जो भी। तो टाइमिंग क्या क्या रहते हैं सर आपके? हमारी टाइमिंग है 2 से 12 है, आफ्टरनून में 2 से लेकर इवनिंग के 11 बजे तक, 12 बजे 11-12 जो मार्केट में टाइम होता है, कस्टमर के रश पे डिपेंड होता है, वैसा ही हम करते थे, उससे लौट आते नहीं हम। ओके, जो भी आ जाए उसी टाइम पे, कितना भी टाइम हम उसी में कर देते हैं। और सर आपका जोमेटो स्विगी पे भी अवेलेबल है? स्विगी पे है अभी, स्विगी पे है। जोमेटो अभी एक्चुअली कुछ इशू हो रखा है इसलिए नहीं आ रखा। तो और बाकी आपका नियर बाय डिलीवरी भी कितने किलोमीटर तक है कुछ ऐसे? एक्चुअली हम दोनों ही हैंडल को ओवर कर रखे हैं। ओके, इसके बाद जैसा ही काम होगा ना वैसा ही हम करने के साथ है। तो मैम होते हैं आपके साथ? नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका मैम? हाँ जी। ओके, तो आप इनके साथ होती हैं यहीं पे, तो आप इनकी हेल्पर आती है? क्या बात है, हेल्प है। ओके, टाइम हो गया, शुरू में 9 मंथ से स्टार्ट किया था, इसके बाद ही हम
दो महीने के बाद वीकली पड़ गया, फिर उन्होंने साथ लिया हमारा। ओके, उसके बाद जो भी चल रहा है। मैडम आपकी बहुत तारीफ है, आपने अपने हस्बैंड की इतनी हेल्प करती हैं, घर का भी देख के आती हैं और यहाँ पे भी आके अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं, इसके लिए आपका बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मैम आपके लिए। तो चलते हैं अभी हम इनसे आपसे बढ़िया से कुल्लड़ पिज्जा लगवाते हैं, तो इसके हम आपको फुल मेकिंग दिखाते हैं, तो अंदर जाके भी कुल्लड़ पिज्जा लगवाते हैं। तो अभी ये सर बना रहे हैं हमारा कुल्लड़ पिज्जा, तो सर बताइए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं? हम ब्रेडक्रम्स बनाएंगे पनीर का। ओके, जो हम क्रंची प्रेस लाना चाह रहे हैं ना, हाँ हाँ, जैसे ब्रेडक्रम्स होता है, ओके, वो करना चाह रहे हैं, तो क्रंची फन और थोड़ा वो है जो पिज्जा भी उसमें यूज करते हैं ना, उसकी जगह हम पनीर यूज करते हैं। ओके, तो पनीर को बनाने के लिए हम पहले मैदे में थोड़ा वो, ओके, आप इसके ब्रेडक्रम्स बनाएंगे, क्या बात है, पनीर की क्या बात सर, तो बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट है। जनरली हम देखते हैं कई लोग सिर्फ इसमें ब्रेड यूज करते हैं या बंस यूज करते हैं, हमने वीडियोस में भी देखा, तो आप देखिए पनीर यूज कर रहे हैं, बढ़िया फ्रेश ताजा पनीर भैया ने इसमें डाला है। तो चलिए हमारे भैया अभी ये ब्रेड क्रम्स बना रहे हैं, ये पनीर को हम थोड़ा सा, ओके, ये इन्होंने बढ़िया से बैटर तैयार कर रखा है इसका पनीर से, क्या बात है भैया, ये ब्रेड क्रम्स है, ये ब्रेड क्रम्स है, थोड़ा इसमें क्रिस्पन आ जाएगा पनीर में, खाने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, भैया ने ग्लव डाले हैं, पूरा सफाई का ध्यान रखा हुआ, बस बहुत बढ़िया तरीके से बना रहे हैं, भैया के चेहरे में स्माइल देखो भैया। तो इसे आप क्या करेंगे? डीप से हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ओके, पनीर की हम दो लेयर बनाएंगे कुल्लड़ में। ओके, एक सबसे नीचे आएगा जो अप होता है, बेस होता है जो, हाँ, ऊपर की ऊपर भी हम पनीर लगाते थोड़ा, ओके, ऊपर भी आ जाए, लोगों को पता भी लगे कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो अभी लोग वीडियो देखेंगे कि पनीर डाल रहे हैं, क्या बात है, कुल्लड़ पिज्जे में इतनी वैरायटी दे रहे हैं आप। तो ये अभी फ्राई होने के लिए चला गया इसमें, मैम ये फ्राई हो रहा, अब आपको हम कुल्लड़ पिज्जे का बेस बना देते हैं। ओके, तो अभी वो फ्राई हो रहा है, तब तक भैया यहाँ पे कुल्लड पिज्जा का बेस बना रहे हैं, जिसके लिए भैया ने कैप्सिकम अभी चॉप करके रखी हुई है, थोड़ा सा नहीं है, ये भी भैया ने कवर फ्रिज में लगा के रखा हुआ है, कटिंग करके चॉपिंग करके ये बढ़िया से सुंदर से लगा रखा है। क्या बात है भैया, सब चीजें बॉक्स में कवर करके पूरा नीट एंड क्लीन का पूरा ध्यान रखा हुआ है, और फ्रिज में रखा हुआ है, जैसे गर्मियों का मौसम है भैया डे टाइम में आता है, तो सब चीज फ्रिज में लगा के रखी हुई है बढ़िया तरीके से। तो ये हमारा कुल्लड़ा भैया इसमें बनाओगे? हाँ, क्या बात है, और थोड़ा सा हम सूट कौन लेंगे, क्या बात है भैया, तो पूरा प्रॉपर वाला ओवरलोडेड जो लोडेड पिज्जा होता है ना, वो बोला पूरी आपने इसकी स्टफिंग कर दी है। तो ये देखिए हमारा जो इसमें इन्होंने भैया ने सारा मिक्सचर तैयार किया है, ये इसमें क्या करेंगे भैया? इसमें हम इसे बनाएंगे बेस को। अच्छा, बेस बना रहे हैं, अभी आज इसमें क्रीम सॉसेस डालेंगे, इसमें हम थोड़ी सी, ये क्या डाले, मेयोस, ये चीज होती है, ओके, चीज है, क्या बात है भैया, बस मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर बस जल्दी से बन जाए, इसे हम टेस्ट कर लें। ये कौन सी सॉसेस है? ये हमारी थाउलैंड है। क्या, कौन सी? थाउलैंड, थाउलैंड इटालियन बोलते हैं। ओके, इटालियन सॉस है, वाओ वाओ, अब देखिए इस सॉस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें दो तीन फ्लेवर है हमारे पास। ओके, दो हमारे पास स्पाइसी है, कुल्लड़ पिज्जा में भी फ्लेवर है, हाँ जी, कौन कौन से? तंदूरी है, मिक्स है, स्पाइसी है, चीजी है और मिक्स। ओके, ये देखिए क्या बढ़िया सा बैटर तैयार हो गया हमारा, ये अपनी चीज आ रही, ये हम मोजरीला चीज, दिस इज ना, ओके, अभी ऊपर जी मोजरीला चीज डालेंगे बढ़िया सा, भैया ने भर भर के इसमें ठूस दी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है भैया ने इसमें, क्या बात। अब इसको हम माइक्रोवेव करेंगे 5 मिनट। ओके, तो ये अभी माइक्रोवेव में डाल दिया है, 5 मिनट तक अभी इसे करेंगे, तो इसमें 5 मिनट का भैया ने टाइमर लगा दिया है। हो चुके हैं हमारे बढ़िया से ब्रेड क्रम्स, पनीर वाले ब्रेड क्रम्स जो मैंने पहली बार देखे हैं, वो रेडी हो चुके हैं कुल्लड़ पिज्जा के लिए। तो अब फाइनल प्रिपरेशन पे हैं हम, इसमें हम 5 से 6 वो डालेंगे, ये देखिए अब ये बना रहे हैं हमारा, पहले ये बेस में डालेंगे आप। ओके, इस पे हम थोड़ी सी सॉल्ट डालेंगे, ये कौन सी है? ये थोड़ी मखनी है हमने खुद, अच्छा ये आपने खुद अपनी बना रखी है। ओके, तो ये ओवन में भी हमारी बैटर जो हमने तैयार करके रखा था,
मिक्स बढ़िया वाला क्रीमी सा आप देख सकते हो, क्या बात है, क्या बात है, वाह कंसिस्टेंसी देखिए भैया ने क्रीम भर भर के डाला है पूरा, ऐसे ऐसे होता चीज पूरा, क्या बात है। थोड़ा सा मैम और चिली फ्लेक्स। ओके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनवा सकते हो अगर आप नॉन स्पाइसी। हाँ, 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 बिल्कुल। और ये ओरिगैनो, ओरिगैनो, ओरिगैनो डाल दिया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया मैम। ओके इसको अब मैं फील करती हूँ। ओके तो ये भैया हमें फील करके दे रहे हैं, क्या बात है। ये देखिए चीज देखिए भर भर के भैया ने डाला इसमें, और सोसेस जो खुशबू आ रही है ना इसमें, टिपिकल हमारा कुल्लड़ पिज्जा। ये हस्बैंड वाइफ ने दोनों मिलके, ये हस्बैंड है और ये हमारी मैडम है। मैम क्या बना रहे हैं ये? मैम व्हाइट सॉस पास्ता बना रही है, इनके साथ हेल्प कराती हैं। तो ये भैया ऊपर से भी डाल दिया आपने, क्या बात है। अब इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे मिंट। ओके ये ऊपर से डालेंगे मिंट सॉस। मिंट इस ये मिंट मायो होते मायो है, मिंट मायो इसे हम बोलते हैं जस्टी। ओके तो ये देखिए थोड़ा सा और फिल किया ऊपर, ये भैया ने पूरा भर भर के ठूस ठूस के, देखने में मटका से, और ये भैया ने ठूस ठूस के भर दिया हमारा, ये बढ़िया सा कुल्लड़ पिज्जा हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए ये क्या लग रहा है, इसका लुक्स देखिए आप एक बार, थोड़ी सी चीज़ क्या बात है भैया, क्या बात है, ये तो पूरा ओवरलोडेड हो गया, भैया ने पूरा चीज भर भर के डाला है ये। तो जी आप देख सकते हैं क्या लग रहा है हमारा पिज्जा, जबरदस्त। थोड़ी सी ऊपर से टॉपिंग्स, ये क्या डाली है, थोड़ी ऊपर से टॉपिंग्स आया। ओके टॉपिंग्स डाली है जैसे पिज्जा पर, ये कैप्सिकम डाली है। हाँ इसको ऑलिव्स, ये भैया ने हमारा प्रॉपर वाला टिपिकल कुल्लड़ पिज्जा दैट्स कॉल्ड, और ये ऊपर से ओरिगैनो आ गया हमारा। पांच मिनट के लिए इसे हम माइक्रोवेव उसमें। अब ये भैया जा रहे हैं, ये बड़े वाली दूसरे ओवन जो बड़ी मशीन है उसमें ये रख रहे हैं। कितने मिनट्स के लिए रखेंगे आप इसे? ओनली फॉर 5 मिनट्स। तो ये हमारा बढ़िया सा टिपिकल कुल्लड़ पिज्जा रेडी हो गया। तो ये हमारा वाओ वाओ क्या बढ़िया, आप देखिए बढ़िया सा हमारा कुल्लड़ पिज्जा बन के रेडी हो गया। तो आप इसकी देख सकते हैं पूरा माउथ वाटरिंग, फुल की क्रेविंग हो रही है पिज्जे की। आप देख सकते हैं लुक्स कितना प्यारा लग रहा है इसका। भैया ने चीज भर भर के डाला तो वो सारा देखो मटके में पूरा कवर हो रखा है, और जब भैया ने टॉपिंग्स किए हैं इसमें आप देख सकते हैं, साथ ओरिगैनो, ये ओरिगैनो चिली फ्लेक्स, और साथ में कटलरी है हमारी स्पून एंड फोर्क, टिपिकल जो आपको पिज्जा के साथ सब कुछ मिलता है। ये हमारे वह कपल जो कि कुल्लड़ पिज्जा देते हैं, ट्रिपल सीसी की बिल्डिंग के पास इनका आउटलेट है, मिड टाउन रन करते हैं। तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी मैम के बारे में, आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, बस इन्हीं की वजह से सारा कुछ है, आप देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं बस। और मैम आप कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? मैम स्पीचलेस हो गए हैं। तो चलिए हम अपना पिज्जा एंजॉय करते, थैंक यू सर, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डेली रूटीन फूड, थैंक यू।